टूर जा तू ना डरना कभी ना घबरना कभी। ओ ले जा ले जा ले जा तू उखाड़ के जमीन। ओ फुर्जा 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 तू ना रुकना कभी तू ना झुकना कभी। झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओ मार छड़प्पा ओ चांद पे चढ़ जा। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। नाम मेरा कांता तवर है और हरियाणा से रहने वाली हूँ। 2004 से जयपुर में सेटल है और अपने निवारू रोड पर ही मकान है। इंसान है ना, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अरे मेरे को तो लिखनी भी नहीं आती थी राइट कि मैं सही जगह पे हूँ और सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अरे सफलता का इतने पीछे पड़ो जब तक सफलता आपके कदमों में नहीं आ जाए ना, पीछा मत छोड़ो। महीपाल गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन तो हसीना मान जाएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। माँ कसम क्या बताऊं, इतने पैसे आते हैं। छुट्टे उड़ाती हूँ। दुबई में गई अभी 3 फरवरी को, पहले बार फ्लाइट में बैठी वो भी इंटरनेशनल। माँ कसम फ्लाइट में बैठते ही मैंने सोचा कि फ्लाइट के वॉशरूम तो देखूं कैसे है, तो मटक मटक के गई। 3 हेयर हॉस्टल बैठी है मैडम जैसी, उनके पास गई मैं। मैम दुबई कितनी दूर है? 1 घंटा। आपकी लाइफ कैसी है, ये नौकरी करते हो क्या, ये बढ़िया है क्या? बहुत गंदी। अरे मेरे साथ आओ, महीने के 10 से 12 लाख कमाती हूँ, बिल्कुल अनपढ़ू। मैम बताओ जल्दी, इधर आ जाओ। भीड़ हो रही थी क्यों, फ्लाइट में लोग ज्यादा थे, मैंने साइड में पकड़ा और बता दिया मैम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ, थायराइड बीपी शुगर कैंसर सब चीज का प्रोडक्ट है। और रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है। बोली मैं मेरी मम्मी का शुगर है, मुझे ले ले नंबर। और बोली मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, मुझे जम्मू क्या, तू जम चले जाओ वहां भी प्रोडक्ट आएगा। मैम ने नंबर ले लिए और जम्मू फ्लाइट से ही प्रोडक्ट भेज दिए। अरे अपनी सफलता का धुत तो खुद बजाना पड़ता है, फिर तो आ जाती है भीड़ बजाने के लिए। मैंने तो बता दिया अनपढ़ मर्सिडीज में चलती हूँ रेड कलर की, और तुम्हारे एयरपोर्ट पे खड़ी है देख जाना। मेरी एक फ्रेंड थी, बोली आंटी एयरपोर्ट पे खड़ी करोगे तो गोभी खुद जाएगी, एक दिन के 2000 है। वो कोई बात ना, महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे रहेगी। फ्लाइट से उतरे, फट बैठे, बेल्ट लगाई, चश्मा लगाया, देसी ना आ गए। वहां कसम, अरे बिल्कुल अनपढ़ हूँ, 3-3 टोल काट के तो मैं 1 रोटी खाने जाती हूँ बाजरे की, क्योंकि इंसान अपनी औकात नहीं भूलता। मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, मजे आ जाते हैं। माँ कसम इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम होगा। मेरे जितनी भी प्यारी सिटी में ये सब मेरे डाउन में इतना अच्छा काम कर रही है। माँ कसम मजा आता है जब मैम मैम कह के बोलती है ना। मेरे बेटे बेटी ये बैठी बढ़िया पपीता काटती है और बनाना, मम्मी नाश्ता कर लो क्योंकि छुट्टे देती हूँ, बाजार में जाते हैं ना छुट्टे नोट। अब मेरे को तो पता नहीं था दुबई में माला माल बाजार है ना गोल्ड का, तो उसमें गए तो उसमें वो कौन से थे, चाऊ चाऊ बोलू मैं तो, इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती, वो फिल्सिंग लड़की थी छोटी छोटी। तो मैंने बोला मैम चाय पीनी है, तो वो चाय समझे नहीं। किरसन सर बोले टी, तो बोले कितने लोग हैं, बोले 18। हाँ इतने लोग। अरे इंडिया में जब ज्यादा लोग होंगे जभी तो हमारा काम बढ़ेगा। तो मैडम हंसने लगी, माँ कसम कन्विंस करना सीख लो,
तीन रिंग इसमें पहरी, दो कंगन पहरे, एक इसमें बिल देने वाला महेंद्र जी है। माँ कसम खट दे सिना काट दिया। अरे पति हो तो मेरा जैसा हो माँ कसम, नहीं तो नहीं। कुछ भी चीज मांग लू रानी, मैं तेरा, बच्चे तेरे, एटीएम तेरा, और क्या चाहिए मुझे। अरे तेल मुझे महंगा नहीं लगता, बोलती हूँ भाई भर दे। अब देखो वो क्या है, औकात नहीं भूलता इंसान अपनी। मैं बोली भाई पहले का तेल है उसका क्या करे, 2-2.5 किलो। अरे मैम टंकी में ही फुल हो गया। मार्क समझे आते जब चलती हूँ। अरे कैटरीना तो बन नहीं सकी, लेकिन दिखती हूँ माँ कसम महिपाल सर, जब मैंने फ्लाइट में अपना प्रोडक्ट बेच दिया। अरे कैटरीना कैमरे के सामने बेचती है, मैं सरेआम बेचती हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। वह झूठा हरियाणा में क्या है, लड़की के पति को बटेऊ बोलते हैं। तो मेरी माँ है 80 साल की, बोली बेटा बटे उबल तो भोज में था, फिर कुत्ता बेचन लागा, अब क्या डब्बा सा बेचे। मैंने बोला माँ बेचने वाला अमीर होता है, अमिताभ बच्चन भी फिल्मों से अमीर नहीं हुआ, नवरत्न तेल बेच के अमीर हुआ है। मैडम आईडी दे देना, अमीर बना दूंगी आपको, 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीने पे ला दूंगी आपको, मेरे 7-15 हजार रुपए दे देना। अरे बोलने से पैसा आता है। अरे माँ कसम आपके साथ हूँ मैडम, मैं ऑलरेडी आपके साथ हूँ। आप 2 सीटर लाए हो, मुझे भी दिलाओ, मैं और महेंद्र जी बच्चे नहीं बैठेंगे, दोनों फील्ड में निकलेंगे। अरे क्या है, भीड़ में बढ़ जाओ सफल हो जाओगे। अरे धक्का मार मार भीड़ सफलता में ला देगी, सफलता के रास्तों पे भीड़ नहीं होती, तो इसलिए सफलता का रास्ता बहुत ईजी है। डीजे वाले भैया ज्वाइन हो जाओ, माँ कसम उंगली मारने की जरूरत नहीं है, नोट आके पड़ेंगे। बैंक में मैनेजर है ना, कुर्सी छोड़ देता है जब जाती हूँ, और वो मैडम आती है, क्या कूल कार, क्या कूल कार। मुग मैम जिस दिन बैठोगे ना, लोग ऐसे देखते हैं, मुझे नहीं मेरी कार को देखते हैं। और अभी तो मनाली गए थे, ठंडोरी नसीब गुरु जी मिल गए, मैं नरेंद्र सर को लेगी सन रूप में, मुझे ठंड नहीं लग रही, बोल ऐसे खड़ी मैं, मार्क्स आओ, इतना अच्छा लग रहा, इतना अच्छा लगता। अरे जब गाड़ी रुकती है ना, लोग देखते हैं रईस खानदान से है माँ कसम, बड़ा जी खुश होता है। इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम होगा माँ की कसम, महेंद्र जी को ब्रांड बना के ही दुनिया से जाऊंगी, कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अकाउंट में होगी, नहीं तो नहीं होगी माँ की कसम। मेरी माँ 80 साल की है। लोग है ना घूमने जाते हैं पैसे लगा के, मैं घूम घूम के पैसे कमाती हूँ। दुबई में थी नसीब सर, कैंपिंग थी, और वहां तो क्या धीरम चलते हैं धीरम, और मेरे को इंग्लिश नहीं आ, मुख भाई दे दे धीरम बीरम गिराम जो भी है दे दे। माँ कसम वहां गए ना रेत में घूमने, 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के गई मैं, तो वो था पाकिस्तानी, तो मैंने तो वीडियो कॉल कर रखी, मेरी रिच लोगों के साथ लिस्ट है, रिच लोगों में रहना सीख लो रिच बन जाओगे, गरीब में रहोगे तो गरीब रह जाओगे। थैंक यू। मेरी माँ के है ना मुंह में दांत नहीं है सर, महिपाल सर डेंटोडॉग यूज करती है, तो क्यों वो थोड़ा अंदर चला जाता है ना तो खाया पिया पच जाता है, और मजे से घूमती है। बेटा आए ना जब दो डेंटोडॉग रख लेना, मगर माँ याद करेगी। भतीजा बोल रहा बुआ जी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि हरियाणा से हूं ना ऐसे ही बोलते हैं। मगर बेटा डॉक्टर नहीं तो नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर नहीं से कम भी नहीं हूं। समय कम है मेरे अपलाइन,
मेरे भगवान, मेरे मेंटर महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब गुरुजी, संदीप सर, जितने भी अचीवर है मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। अगेन मैं अपने पति महेंद्र जी के चरणों में नमन करती हूँ। क्या करेगी कैटरीना और क्या करेगी करुण करीना कपूर, एसडीपीएस की मैं हूँ सेलिब्रिटी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। नाम सर महेंद्र सिंह है और बेसिकली हरियाणा से रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 17 साल पहले जयपुर के अंदर मेरी यूनिट आई थी, फोर्थ से रिटायर हूँ मैं, और जब ही मैं यहाँ पे आ गया था और जब से लेके अभी तक जयपुर का ही वासी हो गया हूँ। 2017 के अंदर एसएलपीएस में शुरुआत करी थी और पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो समझ में आया कि यार बहुत बड़ा ये तो समुन्द्र है और यहाँ से आदमी चाहे तो अपनी पीढ़ियों का काम कर सकता है। और जब ही स्टार्ट किया था 2018 के अंदर मैंने गवर्नमेंट जॉब को साइड कर दिया और आज मेरे को तकरीबन 38 महीने हो चुके हैं एसएलपीएस में काम करते हुए। इस 38 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं यहां से कमा चुका हूं। थैंक यू। और आज आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, पेंशन आया था तो एक ड्रीम था, मिडिल क्लास फैमिली को कोई ड्रीम होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई ड्रीम होते हैं? साहब ड्रीम इतने ही होते हैं कि कोई एक ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एल्टो, नहीं तो एक स्विफ्ट डिजायर तक खरीद ली जाए ना भाई, इससे बड़ा ड्रीम नहीं होता साहब। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मैं तो सलाम करता हूं संजीव सर को कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया और इतनी जबरदस्त एजुकेशन है यहाँ की, कि जिसकी वजह से पता चल पाया कि यार ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, ड्रीम भी कोई चीज है जो पूरे किए जा सकते हैं, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली में साहब ड्रीम देखना गुनाह है, सही है नहीं है? पर यहां पर आने के बाद पता चला और नसीब गुरु जी के माध्यम से धीरे धीरे समझ में आया कि यार अगर वाक्य में गुरु जी की गाइडलाइन मान ली ना तो अगर गुरु जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पे हम भी पहुंच सकते हैं। और सर ने ओडी Q3 खरीदी थी, उस दिन विश्वास हो गया था कि जब गुरु जी की आ सकती है तो साहब आएगी अपनी भी। और 9 अक्टूबर 2020 को मर्सिडीज सी क्लास 58 लाख रुपए की मैं भी खरीद के लिए आया, क्योंकि जिस रास्ते पे गुरुदेव चल रहे हैं तो पीछे पीछे चेले तो चलेंगे ही साहब, क्यों जी चलेंगे नहीं चलेंगे? और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं शायद कुछ नहीं था, गुरुजी ने इस लायक बना दिया। आज हमारे त्रिमूर्ति यहां पे हैं, महिपाल सर, शिव कुमार सर और नसीब सर और संदीप सर, कृष्ण सर, इन सब का मैं सारी जिंदगी आभारी रहूंगा कि इन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे को दिखाया। और इस दुनिया की सबसे प्यारी जो टीम है, पूरे वर्ल्ड की जो नंबर वन टीम है, वो शायद मेरे पास है या नहीं है? दोस्तों चलते जाना, रुकना नहीं, गारंटी है एक दिन आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, शायद मेरी यूनिट के बहुत लोग यहां पे बैठे होंगे, आप भी एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे, समय नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गो डायमंड।